नमस्कार, मैं प्रिय रंजन और आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ स्टॉक के बारे में, जिसमें आज तो पूरे बाजार में ही ब्लडबाथ दिखा, लेकिन कुछ ऐसे स्टॉक्स जिसको हमने चुने हैं जिसमें मुझे लगता है कि मैक्सिमम रिटेल ट्रेडर यानी आप लोगों का क्वेरी है। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इरेडा, IRFC, NHPC, आइडिया, SGBN, यस बैंक, टाटा मोटर्स, HFCL, अडानी इंटरप्राइजेस और मुक्का प्रोटीन। इसके क्या बेस्ट बाइंग लेवल होने वाले हैं इस डाउनफॉल में, उसको समझे इससे पहले प्रीमियम टेलीग्राम को ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन के लिंक से चाहे तो अकाउंट ओपन करें। और उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो पे 500 प्लस लाइक विद इन 48 आवर में आते दिखेंगे, और वीडियो पसंद आए तो दोस्तों में शेयर करें। हमारे एनालिसिस को अगर आप जज करना चाहते हैं तो प्रीमियम टेलीग्राम जो कि बिल्कुल फ्री है उसको ज्वाइन करेंगे। इरेडा स्टॉक में हमने लगभग 180 रुपीज के प्राइस पे एग्जिट करा और आपको कहा कि इस समय मेरे व्यूज नेगेटिव हैं, लॉन्ग टर्म व्यूज स्ट्रांग है, कंपनी रेन्यूएबल सेक्टर में फाइनेंस करती है, कंपनी इस समय ईवी के अंदर में जो कंज्यूमर है, जो रिटेल कंज्यूमर है उसको भी फाइनेंस करने की बात कर रही है, लेकिन इस समय टाइम करेक्शन इंडेड है। अगर आप ऑलरेडी हायर लेवल पे फंसे हुए हैं तो इस समय एग्जिट करने से बचें, लेकिन फ्रेश बाइंग करने से भी बचेंगे। इस स्टॉक में दो मेजर सपोर्ट मुझे दिखता है, पहला सपोर्ट 120 का और दूसरा सपोर्ट 95 to 105। तो ये दो ऐसा जोन है जहां से रिवर्सल के मैक्सिमम चांसेस मोर देन 95% है। तो अगर फ्रेश बाइंग या एक्युमुलेशन लेना है तो इन दो लेवल्स को अपने दिमाग में सेट कर लेंगे। दूसरा स्टॉक है IRFC। IRFC स्टॉक ने मल्टीबैगर रिटर्न दिया, लोअर प्राइस से लगभग 500% के गेन दिए। मैं पिछले कई दिनों से कह रहा हूं कि IRFC में इस समय बिल्कुल बचेंगे। जो RVNL है उसका समझ में आता है, उसको मल्टीपल ऑर्डर मिला है, लेकिन RVFC को क्या मिल रहा है? RVFC तो फाइनेंसिंग का काम करती है और वैल्यूएशन वाइज भी काफी ओवर वैल्यूड हो चुकी है। इस समय देखें तो अपर प्राइस से लगभग स्टॉक ऑलरेडी 35% 192 से ऑलरेडी 35% डाउन है, इस समय 125 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। एज पर टेक्निकल मुझे लगता है कि इजिली ये स्टॉक 90 से लेकर के 105 के लेवल्स को टच कर सकता है। तो अगर आप इस स्टॉक में एवरेज आउट या फिर फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं तो इस लेवल से पहले फ्रेश बाइंग करने से बचेंगे। तीसरा स्टॉक है NHPC। NHPC पावर सेक्टर का स्टॉक है, मल्टीपल न्यूज रहा था, SGBN और NHPC काफी ट्रेंडिंग रहा था, लेकिन हमने इस स्टॉक को क्या कहा कि 94 के लेवल पे इसने ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन कर दिया और इस समय एक एक्युमुलेशन जोन में आ चुका है। इस स्टॉक में 68 से लेकर के 76 का 68 से 76 एक जोन है जहां पहला रिट्रेसमेंट जोन है और दूसरा रिट्रेसमेंट जोन लगभग 56 के आसपास का है। तो इस दो जोन को याद रखें अगर आप फ्रेश बाइंग या एक्युमुलेशन करना चाहते हैं। ओवरऑल ट्रेंड बिल्कुल वीक है। चौथा स्टॉक है आइडिया। आइडिया वोडाफोन में 45,000 करोड़ के फंड रेज को लेकर के हमने खबर सुना, लेकिन आइडिया वोडाफोन में भी जो एक ट्रेंड लाइन था वो 15 रुपीज पे ब्रेक डाउन हुआ और पोटेंशियल डाउन ट्रेंड 10 to 11 रुपीज का दिख सकता है। अपर साइड 15 के ऊपर ही रिवर्सल होगा तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर 15 के ऊपर ही देखेंगे, या लोअर साइड ये स्टॉक 11 तक के लेवल्स को इजिली टच करते दिख सकता है। पांचवा स्टॉक देखेंगे SGBN। SGBN इस समय वन ऑफ द बेस्ट ट्रेंडिंग रहा, इस स्टॉक ने बड़े अच्छे रिटर्न दिए, लेकिन इस समय एक कंसोलिडेट फॉर्म बना करके 118 to 130 के बीच के बाद ब्रेकडाउन हुआ और अगेन एक सपोर्ट में आते दिख रहा है। आई डोंट थिंक सो कि इस स्टॉक को पहला सपोर्ट 84 से लेकर के 95 के बीच में है और दूसरा सपोर्ट नियर अराउंड 64 का है। तो हमेशा अगर एवरेज आउट करना है तो इस जोन का ध्यान रखेंगे और फ्रेश ब्रेकआउट तो 130 के ऊपर ही होगा। ओवरऑल ट्रेंड वीक है, बिल्कुल कॉशन बरतेंगे। यस बैंक स्टॉक अपने ऊपर के प्राइस से लगभग 35% करेक्ट हो चुका है। MS ने इसके टारगेट जो है लगभग 16 के दिए हैं और हाई प्रोबेबिलिटी है कि 16 का लेवल दिख सकता है। ऑलरेडी इसने अपने ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन कर दिया है 26 रुपीज के प्राइस पे और लोअर साइड हायर चांसेस हैं कि ये स्टॉक 16 से लेकर के 18 का जो जोन है उस जोन को टच कर सकता है। इस समय शॉर्ट टर्म ट्रेडर इग्नोर करेंगे, 16 to 18 लेवल्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए है
और जब तक ये इस समय या तो 1626 के लेवल को ब्रेकआउट नहीं करे, बिल्कुल कौशन बरतेंगे, या फिर लोअर साइड 16 के आसपास ही आप शॉर्ट टर्म ट्रेंड के लिए इस स्टॉक को बाइंग करने की सोचेंगे। टाटा मोटर्स में एक बड़ी खबर आई जहां गवर्नमेंट के साथ कुछ ऑर्डर्स आते दिखे, लेकिन टाटा मोटर्स भी जो है वेल ट्रेंडिंग स्टॉक रहा है। और इस समय अगर अपर प्राइस से देखेंगे तो जो करेक्शन इस स्टॉक में रहा है वो करेक्शन लगभग देखेंगे इस स्टॉक ने 160 के लेवल्स को टच करे और 10% का करेक्शन हो चुका है। एज पर टेक्निकल 920 और 880 तक के लेवल्स डाउनसाइड में दिख सकते हैं। शॉर्ट टर्म ट्रेडर तो इस समय लॉन्ग करने से बचेंगे, या तो अपर साइड 1020 के लेवल को ब्रेकआउट करने दें या लोअर साइड 880 के लेवल का वेट करें। ओवरऑल ट्रेंड वीक है और यहां से और भी 6-10% तक के डाउनफॉल दिख सकते हैं। HFCL अपने ऊपरी प्राइस से लगभग देखें तो 30% करेक्ट हो चुका है। यहां देखेंगे जो HFCL है वो अपने ऊपरी प्राइस से लगभग 30% करेक्ट हो चुका है और अपने पहले सपोर्ट 82 के सपोर्ट पे दिख रहा है। दो सपोर्ट इस स्टॉक में है, पहला 82 और दूसरा 64। तो मुझे लगता है 64 टू 82 एक वैल्यू बाइंग जोन हो सकता है फॉर टारगेट ऑफ 120 टू 160। मुझे इस स्टॉक में अब बड़ी गिरावट नहीं दिखता है। यूरोप के अंदर कंपनी ने खुद को एक्सपेंड करे तो ये अब बाइंग जोन में है। मुझे लगता है कि यहां से बाइंग किया जा सकता है। अडानी के मैक्सिमम स्टॉक आज ब्लडबाथ का शिकार होते दिखा। इसका ये कारण हो सकता है क्या इलेक्टोरल बॉन्ड में अडानी ने सबसे बड़ा चंदा दिया है या क्या, वो इस समय नहीं आई है। लेकिन मुझे लगता है कि अडानी इंटरप्राइजेस में भी डीप एक अपॉर्चुनिटी है। इस समय जो रिसेंट का हाई रहा है वहां से अडानी देखें तो लगभग 14% गिर चुका है और इसने ऑलरेडी अपने जो ट्रेंड लाइन थे उसको ब्रेकडाउन कर दिया। पोटेंशियल जो मेजर सपोर्ट दिखता है, पहला सपोर्ट इस स्टॉक में नियर अराउंड 2600 का और दूसरा सपोर्ट लगभग 2200। तो ये दो सपोर्ट है जहां लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए बाइंग किया जा सकता है। और आई पर्सनली थिंक कि बाजार यहां से रिकवर करेगी तो अडानी इंटरप्राइजेस में बेटर रिकवरी दिख सकता है। इसके बाद है मुक्का प्रोटीन, रिसेंट में लिस्टिंग हुई है और आज इस स्टॉक ने 38 के लेवल को टच करे, 30 के नीचे का ये एक बेस्ट वैल्यू बाइंग जोन दिख सकता है। शॉर्ट टर्म ट्रेडर बिल्कुल इग्नोर करेंगे, वही लोग जाएंगे जो मोर देन 6 मंथ टू 2 ईयर तक होल्ड कर सकते हैं। आई होप ये जितने भी स्टॉक थे उसके लेवल्स को हमने इजिली आपको समझाया। इसके अलावा की क्वेरी कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। थैंक यू।